जब ये व्यवस्था देंगे तब ना मरीजों को व्यवस्था मिलेगी। मरीज तो बेचारे अपनी मजबूरी में आके रात भर रात को 12 बजे से सुबह 6:30 बजे तक नंबर लिख के सोए रहते हैं सड़कों पे। अगर मरीज जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आज 10 साल से इसी तरह से रात ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात सड़क पे आके मरीज सोते हैं और यहाँ के चौकी इंचार्ज से लेकर थाना प्रशासन सब जानता है कि मरीज यहाँ रात भर गली में सोए रहते हैं। सुटेबल देखा जाएगा, गुस्सा नहीं आता। सरकारी व्यवस्थाएं बेहतर हो रही है, प्राइवेट डॉक्टर अपना मन आता क्या करे, कोई ये बताइए किससे कहे, कोई सुनने वाला है इस जिले में? जब एक सिपाही के साथ इस तरह मारा पीटा जा रहा है और उसको उल्टा फंसा दिया जा रहा है पूंजीपतियों के दबाव में। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता और हम लोग इस समय गोरखपुर के बेतिहाता स्थित सुनील कुमार केजरीवाल जो डॉक्टर हैं गेस्ट्रो के, उनके आवास के बाहर खड़े हैं। और ये देखिए लाइन से जो गली में आपको भीड़ नजर आ रही होगी और फिलहाल जितने लोग बगल में खड़े हैं ये सभी मरीज हैं और इंतजार में है कि नंबर कब लगेगा। अभी सुबह के 6 नहीं बजे हैं, इनका एक अलग नियम कानून है, सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में नंबर लगता है और नंबर लगाने के लिए यहाँ पे कोई टेलीफोनिक व्यवस्था नहीं है, आपको खुद फिजिकली मौजूद होना पड़ेगा मरीज के साथ। या अगर आपका कोई मरीज नहीं है तो आप कोई अपने रिश्तेदार को भेज दीजिए। और ज़्यादातर जितने मरीज यहाँ पे आते हैं वो सब गोरखपुर से बाहर के आते हैं, बिहार पडरौना और अलग अलग जगहों से। यहाँ पे केवल मरीज नहीं परेशान है, समझिए इन डॉक्टर की व्यवस्थाओं से केवल मरीज नहीं परेशान है बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग भी परेशान है, क्योंकि ये पूरी गली जो है मरीजों से देखिए पूरी भरी रहती है और जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं आने और जाने में। ये देखिए यहाँ के ही एक स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये लोग काफी परेशान रहते हैं और इनका ये कहना था कि ये डॉक्टर की व्यवस्थाएं इतनी गंदी है कि ठंडी बरसात और मौसम जैसा भी हो ये यहाँ पे ऐसे ही मरीज सड़क पे ही पड़े रहते हैं नंबर लगाने के लिए। आप यहीं पे भाई साहब? जी जी जी। क्या नाम है? मेरा नाम शत्रुजी त्रिपाठी सिंटू है, मैं अधिवक्ता हूँ सिविल कोर्ट में, मेरा इसी गली में घर है। तिवारी जी, ये बताइए कि आपके गली, मान लीजिए ऐसे तो बदनामी आपके गली की भी हो रही है। हो रही है, लोगों को आने जाने में सुबह सुबह बहुत दिक्कत होती है, सुबह 3 बजे से लेके 6:30 बजे तक मरीजों का यही भीड़ रहता है, कोई भी आके देख ले, ठंडी जाड़ा गर्मी बरसात मरीज इन्हीं सड़कों पे सोते हैं और डॉक्टर साहब को इसकी कोई चिंता नहीं है ना। एक तो इनके कर्मचारियों का व्यवहार बड़ा गंदा है, अभी जैसे बात कर रहे थे हम, कहें कि गेट भाई साहब खोल दीजिए, क्योंकि शौचालय महिलाएं हैं, दूर दराज से महिलाएं हैं, ये पुरुष तो चलिए ठीक है कहीं अपना हो जाता है लेकिन महिलाओं के साथ काफी दिक्कतें होती हैं, ना यहाँ शौचालय की व्यवस्था है ना खाने पीने की। आप जब स्वयं पूछे हैं देखे हैं, आपको जवाब मिला है, जब ये व्यवस्था देंगे तब ना मरीजों को व्यवस्था मिलेगी। मरीज तो बेचारे अपनी मजबूरी में आके रात भर रात को 12 बजे से सुबह 6:30 बजे तक नंबर लिख के सोए रहते हैं सड़कों पे, आके कोई देख सकता है, कोई जिम्मेदार आके देखे, डॉक्टर सत्या पांडे के गेट से लेके मेयर साहब के और हमारे वहां से लेके यहाँ तक सुबह 3 बजे से 6:30 बजे तक आप इस गली से आसानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हर मोहल्ले में सुबह सुबह हर गलियां हर सड़क शांत रहते हैं, लोग टहलते हैं, यहाँ का आलम स्वयं आके कोई देखे, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। तो बतौर मोहल्ला वासी आप लोग कभी नहीं कहें कि आप लोग बेहूदगी कर रहे हैं? सारे मोहल्ले के लोग इनसे कहते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं इस बात को लेके। ये अपना VIP गेट बंद रखते हैं, देख सकते हैं आप लोग, और ये हमारे मोहल्ले के 100-150-200 लोग आगमन का मार्ग है, इसको रोक के बंद करके इसी तरह जाम लगाए रहते हैं सुबह सारे। लोग ने विरोध, हालांकि नहीं विरोध नहीं, लोग शिकायत करते, क्या कोई विरोध करेगा इनसे, कोई झगड़ा नहीं करेगा, मोहल्ले के पड़ोसी हैं, इनसे सब लोग अपने अपने तरीके से कायदे से करते हैं लेकिन इसका कोई इनके पास सार्थक जवाब नहीं है, ना मरीजों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। इसी तरह मरीज जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आज 10 साल से इसी तरह से रात ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात सड़क पे आके मरीज सोते हैं और यहाँ के चौकी इंचार्ज से लेकर थाना प्रशासन सब जानता है कि मरीज यहाँ रात भर गली में सोए रहते हैं। ऐसा नहीं, तिवारी नहीं जानते, यहीं के रहने वाले हैं और अधिवक्ता भी हैं, दीवानी में बैठते हैं, आपको ये मामला पता ही होगा नू सरकारी वाला जो चल रहा है। मरीज मानसिक रूप से ऐसे तो परेशान हो जाएगा और फिर अगर मान लीजिए आपसे तू मैं हो रहा है तो उस समय मानसिक स्थिति बिगड़ती है, आप लोग के अधिवक्ता है इसलिए सवाल कर रहा हूं। मरीज बेचारा परेशान है, बिहार से आके यहाँ मुकदमा करे, हर व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करे संभव नहीं, मरीज बेचारा शांत रहता है, अधिक से अधिक यहाँ बाहरी मरीज है बेचारे जो हमारे बिहार नेपाल गोपालगंज सीवान मऊ आजमगढ़ बस्ती दूर दराज से आते हैं, किसी का नंबर लगता है किसी का नहीं भी लगता, हफ्तों लोग तो यहाँ नंबर के लिए दौड़ते हैं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, बताते हैं कि मरीज को कैसे सुटेबल देखा जाएगा। गुस्सा नहीं आता, सरकारी व्यवस्थाएं बेहतर हो रही है, प्राइवेट डॉक्टर अपना मन आता क्या करे, कोई ये बताइए किससे कहे, कोई सुनने वाला है इस जिले में? जब एक सिपाही के साथ इस तरह मारा पीटा जा रहा है और उसको उल्टा फंसा दिया जा रहा है पूंजीपतियों के दबाव में, ये लोग अपने अपने धन और वैभव का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बाउंसर पाल रहे हैं, गुंडे पाल रहे हैं, मरीजों से कोई ठीक से बात ही नहीं करता, कुछ पूछने पर लोग उल्टा जवाब देते हैं, यही इन लोग की प्रैक्टिस चल रही है।
तो डॉक्टर साहब का मतलब आप सालों से देख रहे हैं ऐसे ही सड़क, तो क्या दसों साल से पूरा मोहल्ला देख रहे हैं आप ऐसे ही मरीज सड़क पे इसी तरह बैठते हैं, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात इसी तरह बेचारे मरीज आते हैं बैठते हैं इनके उनके दरवाजों पे, न पार्किंग की व्यवस्था है। हमारे गली में आइए, इस पूरे चार पांच मोहल्ले के जितने भी डॉक्टर सबकी गाड़ी ऐसी पार्क होती है, आप अपने दरवाजे पर अपनी गाड़ी तक नहीं खड़ा कर सकते हैं। सुबह का बता दें अभी 6 नहीं बजा है, 5:30 के करीब हो रहा है और ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, काफी नाराज थे अभी आ रहे थे क्योंकि ये देखिए पूरा रोड ऐसे ही ब्लॉक रहता है। अब जब क्योंकि मरीजों की मजबूरी है वो अंदर का गेट ये लोग खोले नहीं है, और ये साहब के दो गेट हैं, एक मेन गेट है जो सड़क पे है और दूसरा गेट ये भी मेन ही सड़क है जो अंदर जा रहा है। जो फ्रंट है जहाँ चौड़ी गली वहाँ नहीं, आगे से नंबर आगे से लगाए सुबह अपना मरीज यहाँ कायदे से देख लें। नहीं इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है मरीजों के लिए, हमको लगता है कि कम से कम व्यवस्था बैठने किसी, किसी भी डॉक्टर के पास न जो भी क्लिनिक अस्पताल जो भी चलते किसी के पास 100 में से 10 1% को 2% को छोड़ दिया जाए तो 98% के पास किसी के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है इस महानगर में। बस ऐसे हवा में चल रही, सुबह से शाम तक जाम लगा रहता, जिला प्रशासन भी उस जाम को हटाने में परेशान रहती, लेकिन इनको कोई शुद्ध बुद्ध इस पे कोई इनका जो भी संगठन है उस पे कोई वो नहीं लेता। बस संगठन इसलिए मरीजों से झगड़ा करिए, उनके खिलाफ एक हो जाइए, हड़ताल कर दीजिए सबसे इजी सवाल। अगर इसी तरह सब लोग हड़ताल पे बैठने लगे तो न्याय कहाँ किसी को मिलेगा, किससे कोई कहेगा कहाँ न्याय। और ये आपको बता दें कि वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा ऐसा नहीं है कि हम फिलहाल डॉक्टर साहब का विरोध कर रहे हो, हाँ लेकिन उनके व्यवस्थाओं का विरोध जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप फीस ले रहे हैं किसी मरीज से 800 रुपए फीस, छोटी मोटी रकम नहीं ले रहे हैं, तो कम से कम बैठने की और शौच वगैरह करने की व्यवस्थाएं देनी चाहिए। और खासकर आप गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं तो तमाम पेट की समस्या है, लेकिन जब मरीज यहाँ पे आएगा और ऐसे ही सड़कों पे बैठा रहेगा और गर्मी जाड़ा बरसात जितने जो भी मौसम रहे हर मौसम में अगर ऐसे ही बैठा रहेगा तो आप मान के चलिए कि पेट की समस्या से आप जूझ रहे हो वो अलग है, आपको कोई ना कोई अलग और समस्या हो सकती है, और ऐसे ही आप पूरे शहर भर में अलग अलग डॉक्टरों के पास जा सकते हैं। आप समझिए सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग काम कर रही है, बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं कुछ प्राइवेट डॉक्टर ऐसे हैं जो फीस मोटी रकम ले रहे हैं, ठीक ठाक ले रहे हैं, लेकिन सुविधाएं के नाम पे देखिए आपको सड़क पे बैठना पड़ेगा और ऐसे ही घंटों इंतजार करना पड़ेगा। ये सब मरीज जितने हैं सब बिहार से आए हैं और इस उम्मीद में आए कि डॉक्टर साहब देख लेंगे। 6 बज रहे हैं बाबू, अभी तक इनका गेट नहीं खुला है, 7 बजे तक ये जब गेट वोट खोलेंगे तब इनका जाम हटेगा, तब लोग मोहल्ले के लोग आ जा सकेंगे, तब थोड़ी भीड़ छटेगी। और एक चीज और यहाँ पे है, डिजिटल इंडिया पे लगातार देश के बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री इसको लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनके को आपको बता दें कोई डिजिटल बनाने वाली सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं है। आपको अगर यहाँ पे नंबर लगाना है तो कैश लेके आना पड़ेगा, अगर कैश नहीं है तो भूल जाइए कि आपका नंबर उम्बर लगेगा। आप सभी लोग मरीज हैं जो दूर दराज से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम बेतिया से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हमें सिवान से। आप कहाँ से आए? हम हरिनगर से आए हैं, रामनगर, रामनगर चंपारण से। ये देखिए सब जितने मरीज हैं यहाँ पे मैक्सिमम सब बिहार के होंगे, गोरखपुर के बहुत कम मरीज आपको मिलेंगे, और क्योंकि इस शहर के अगर लोग हैं तो अपने समय पे आएंगे, नंबर लगाएंगे, और दूर दराज से अगर मरीज आ रहे हैं तो कम से कम व्यवस्थाएं बैठने और सोने की देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कल शाम में ही यहाँ से मौजूद हैं ये सोच के कि डॉक्टर साहब के पास अगर सुबह जल्दी रहेंगे मौजूद तो जल्दी नंबर आएगा। 800 रुपये फीस है। और तस्वीर फिलहाल आपको सुनील कुमार केजरीवाल जो गेस्ट्रो के डॉक्टर हैं बेतिहाता में इनका क्लिनिक है वहाँ की दिखा रहे थे। बाकी इन खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।